गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लाइक ऑलवेज। और आज है एक अनदर व्लॉग। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज गाइस डू कंसीडर वाचिंग अदर वीडियोस एज वेल। आई मेक वीडियोस ऑन लाइफस्टाइल व्लॉगिंग और लग्जरी बैग्स अनबॉक्सिंग एंड ऑल। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं अनिल भैया और निकिता के साथ में। से हाय। हेलो। नव्या इज सिटिंग जस्ट हियर एंड आशीष इज हियर। सो बस अब हम लोग रास्ते में हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है बट इट्स नॉट दैट बैड। और आज हम लोग जा रहे हैं मेलबर्न सीबीडी में, एक बहुत ही अच्छी और अनोखी जगह हमेशा की तरह। तो थोड़ा सा वेट कर लो, जब हम लोग पहुंच जाते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आ गए हम लोग साउथ मेलबर्न में और जा रहे हैं हम लोग एक और जगह। इट्स लाइक बार कम रेस्टोरेंट और ये बहुत ही पॉपुलर है मेलबर्न की, वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है एंड इट कॉल आर्बरी अफ्लोट। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल पानी के ऊपर बना हुआ है, यारा रिवर के ऊपर, और इसमें बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। बट आज वीकडे है तो हमें उम्मीद है कि आज हमें बुकिंग मिल जाएगी। तो चलते हैं और चल के देखते हैं कि हमें बुकिंग मिलती है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग ड्रिंक्स देख सकते हो वी गॉट अ बुकिंग। सो फाइनली हमें, हम जहाँ चाहते थे हमें बुकिंग मिल गई है। सो हमने ऑर्डर किया है यहाँ का जो स्पेशल जो कॉकटेल था, आर्बरी फ्लोट का कॉकटेल, वो कॉकटेल। और ये है जुकीनी फ्लावर्स, सम फ्राइज एंड पिज़्ज़ा, मतलब फुल ऑन हम वीकेंड के मज़े मिड वीक लेने वाले हैं। और ये काफ़ी अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा है। ग्रेप फ्रूट है शायद इसके अंदर, ग्रेप फ्रूट, क्रैनबेरी सोडा सोडा एंड सम कोकोनट एंड जिन। सो ट्राई करते हैं कॉकटेल एंड नव्या इज़ ऑल सेटिंग। नव्या अपना मस्त सारे इधर उधर देख के इंजॉय कर रही है। और यहाँ पर एक मतलब बिना कॉकटेल ट्राई करी ऐसा लग रहा है कि वी ऑलरेडी हैड टू ड्रिंक, बिकॉज ये जो बार कम रेस्टोरेंट बना हुआ है इट्स लाइक फ्लोट, इसका नाम ही फ्लोट है। तो पूरी ऐसी वाइब्रेशन और ऐसा लग रहा है कि हम लोग एकदम स्लो बोट में कहीं जा रहे हैं। तो नीचे यारा रिवर है और हम लोग एकदम यहाँ पे खिलती हुई फ्लोट बार पे बैठे हुए हैं। और एक और बात, यहाँ पे 9 बजे तक किड्स अलाउड है, तो हमारे पास अभी 2-2.5 घंटे हैं मज़े से चिल करने के यहाँ पे। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बार पे और बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, बहुत अच्छा एम्बियंस है एंड लकीली किड्स आर अलाउड, सो वी हैविंग अ बेस्ट टाइम। और अभी यहाँ पर है ना एक फायर शो होने वाला होता है, एक फायर शो होने वाला है और वो हर रोज़ 9 o'clock होता है। आई थिंक वो वीक डेज पे होता है कि नहीं होता है, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। सो लेट्स वेट, अगर वो होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी।
वो देखो अपना शूट करा रही है। This is 108, tallest building in Melbourne. और ये पहले थी कि यूरेका स्काई डेक बोलते थे ना उसको, उससे भी वो है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में, उससे भी ये वाली बिल्डिंग लंबी है। तो ये मेलबर्न की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग है। और अभी बस हम लोग यहाँ नीचे ही आ गए जहाँ पे वो फायर शो होता है, तो अब फायर शो का वेट कर रहे हैं। मेलबर्न का आइकॉनिक लाइट शो, और ये क्राउन के नीचे होता है साउथ मेलबर्न में। तो मैंने आप लोगों के शूट करने के लिए हम लोग एक्चुअली वहाँ बाहर से निकल के यहाँ पर आके पहले से वेट कर रहे थे ताकि अच्छे से मैं आप लोगों के लिए शॉट ले सकूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। नवे इज़ ऑल्सो वेरी स्लीपी, उसे आइसक्रीम खानी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वेरी पॉपुलर लिंट करके कैफ़े है जहाँ पर मैंने काफ़ी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे उसके डेजर्ट्स एंड आइसक्रीम एंड क्रोसांस वगैरह मैंने डाले थे। मैं लिन कैफ़े के काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट को अपनी स्टोरीज पे डालती रहती हूँ, बट वो आज वीकडेज़ के चलते 6 बजे बंद हो गया था। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको आइसक्रीम खिलाने की, तो देखते हैं अगर कहीं आइसक्रीम मिलती है तो, क्योंकि आज वेदर इज़ सच अ नाइस। मैंने पहन तो रखा है कि लाइक ऑलमोस्ट विंटर टाइप के क्लोथ्स, पर आज पूरा दिन काफ़ी अच्छा वेदर था, लाइक ऑलमोस्ट 26 डिग्री का टेम्परेचर था। तो नव्या कैन इन्जॉय आइसक्रीम, पर मेरे को लग नहीं रहा है कि कहीं पर अभी मिलेगी, नहीं तो उसको घर ले जाके कल उसकी आइसक्रीम ट्रीट होगी। पर मुझे लगता है मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। बाहर से शुरू किया था, बाहर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा एक और मेलबर्न के आउटिंग का वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, देन गाइज यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय फॉर नाउ, बाय बाय।